निर्भया के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कितनी बड़ी राहत है और बहुत बड़ा एक इंसाफ है, और चार सालों बाद ये फैसला आया है। आराम से भाई। चाचा जी, चार सालों बाद ये फैसला आया है लेकिन निर्भया को अब इंसाफ मिला है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, हमारी पहली प्रतिक्रिया और आखिरी भी यही है कि हमारे को न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था, विश्वास था और न्याय मिला है तो हमको भी अच्छा लग रहा है, और जो हमारे सहयोगी हैं उनको भी अच्छा लगा कि नहीं, हमको जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे थे वो हमें न्याय मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से देश की जो दूसरी बेटियां हैं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी, ऐसा आप सोचते हैं? हाँ, हमारी पहली यही सोच है कि कम से कम यहाँ से ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। ये है कि लंबा काम है, इतना जल्दी नहीं होगा। अब इस पर हम लोग को और मन से काम करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया है कि सजा, अगर कोई क्राइम करता है उसके लिए सजा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, हमें वहाँ लड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से फांसी होने तक कई प्रोसेस से गुजरती है फाइल, आपको क्या कहना है, आपका सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस फाइल को क्लियर करें? हाँ बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से सबसे हमारी अपील होगी और लेटर भी देंगे कि इनको जल्दी से जल्दी लटकाया जाए। ये निर्भया के पिताजी जो बता रहे थे कि निर्भया को इंसाफ मिला है और देश के जो दूसरी बेटियां हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी इस फैसले के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।